गुड स्लीप, थैंक यू, गुड नाइट। नासी गोरेंग दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं। हमारा ये बीच वाला विला है, तो कुछ ऐसा है विला के बाहर से नज़ारा। तो टिकट्स की बात की और टिकट लग गया। आई थिंक बोटिंग का ऑप्शन होगा। हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज हमारा पहला दिन है बाली में। अभी काफ़ी लेट हो चुका है, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं और हम लेट सो के उठे क्योंकि कल 3 बजे हम अपने हॉस्टल पहुँचे। और आज हम यहाँ से जाएंगे उलुन दानू बेरातान टेम्पल। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है और उसके आसपास की जगह भी एक्सप्लोर करेंगे। और फिलहाल कभी अभी हम लोग सबसे पहले आ गए हैं लंच करने। अभी चलो खाना खाते हैं और उसके बाद जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप कैसे बाइक रेंट कर सकते हो और उसके बाद फिर हम जल्दी से चले जाएंगे टेंपल की तरफ। हाउ मच इज फॉर वाटर बॉटल? 38,000। ओके, तो अभी हमने वाटर बॉटल मंगाया है, 38,000 का वाटर बॉटल है। हो सके तो आप अपने हॉस्टल से रिफिल कर लीजिएगा। बाली में स्कूटी रेंट पर लेना बहुत आसान है। मैं रिकमेंड करूंगा आप देनपसार सिटी से ही स्कूटी रेंट में लें। यहाँ पर हर गली में आपको स्कूटी रेंटल मिल जाएंगे, जहाँ पर लाइन से काफ़ी सारी स्कूटीज़ होती हैं। बात करें रेंटल फ़ीस की, जो कि है तकरीबन 70,000 से 80,000 इंडोनेशियन रुपया पर डे, जो कि इंडियन करेंसी में आपको 400 से 500 रुपये पड़ेंगे। तो हमने उस समय आपको दिखाया कि हमने बाइक रेंट की थी और उसके बाद हम काफ़ी आगे बढ़ गए। तो हमारे हॉस्टल से वो टेंपल पड़ रहा था अराउंड 53 किलोमीटर्स और हम लोग ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स कवर कर चुके थे, 45-47 किलोमीटर्स। पर बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी और काफ़ी घने बादल थे, अंधेरा काफ़ी जल्दी हो गया, 5:30 बजे अंधेरा हो चुका था। तो बारिशों की बहुत तेज़ हो गई, हम लोग अपनी गाड़ी को रोके और ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाए यार, क्योंकि कैमरा भी वाटरप्रूफ नहीं था। पर हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अभी फ़िलहाल हम आए हुए हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पास में ही, और टेंपल यहाँ से करीब है मान के चलो 5 से 6 किलोमीटर और होगा। तो आज हम सोच लिए कि आज हम यहीं पे स्टे करेंगे। आसपास हमने देख लिया है कोई होटल, पर अभी तक हमने बुक किया नहीं है। बुक करने के बाद मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली व्यू काफ़ी सुंदर आएगा, रात में तो कुछ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बट आई एम प्रीटी श्योर सुबह होगा तो काफ़ी अच्छा व्यू आएगा यहाँ से। तो सुबह देखते हैं क्या होता है। क्या लिया? मैं लिया चिकन फ्राइड खुईटा और इसका नाम भूल गया। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा रोड है और नीचे पूरा पहाड़ है, पर अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है। कल सुबह ज़रूर इसे वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और ज़रूर से वो टेंपल जाएंगे और वहाँ से हमने और 2-3 जगह आसपास की ढूंढ ली है, इसलिए आज यहाँ नाइट स्टे कर रहे हैं ताकि हमारा समय बिल्कुल बर्बाद ना हो और कल सुबह से ही हम शुरू कर सके घूमना। तो आज हम लोग नासी गोरेंग दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ। और मृणाल ने लिया है चिली प्रॉन्स, और ये क्या है? ये है नूडल्स, चिकन नूडल्स। ओके, काफ़ी टायरिंग दिन था आज, पर लेट्स एंड दिस विथ अ गुड मील। तो फाइनली बहुत मेहनत के बाद एक्चुअली हमने गूगल मैप्स में खोजा होटल्स वगैरह, और पहला जो हमको होटल मिला वो तो वहाँ गए तो वहाँ कोई था नहीं, वो बहुत ज़्यादा शेडी था, बहुत अंदर था, वहाँ स्कूटी चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ पे कोई मिला नहीं। तो उसके पास वहाँ से करीब 500 मीटर इधर वापस मेन रोड की ओर हमको एक दूसरा होटल मिला। यहाँ आके हम कॉल वगैरह किए, बात किए, तो एक बंदा आया आखिर में और काफ़ी अच्छा आदमी था, हमको बहुत हेल्प किया और फाइनली हमको रूम मिल गया है। रूम का हमने टोटल पे किया है 3,50,000 इंडोनेशियन रुपया। उसका मैं नीचे में लिख दे रहा हूँ कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज़ में, और मैं एक बार कैमरा भी रोटेट कर देता हूँ। तो ये ऐसा कुछ विला है। आई थिंक सुबह इसका व्यू बहुत अच्छा आएगा और मैं आपको जल्दी से रूम टूर भी दे देता हूँ। तो बाहर से तो कुछ ऐसा नज़ारा है। अब चलो अंदर रूम की ओर चलते हैं। तो रूम के अंदर आएंगे तो कुछ ऐसा है रूम, और ये हो गया हमारा गेट बंद। ये है बेड, इसके साइड में हमने अपना बैग रखा है, इधर हेलमेट है। और इस रूम का मेरे को सबसे अच्छा बात ये लगा पे, मतलब इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, और इसके अलावा सबसे अच्छा पार्ट है इसका बाथरूम, काफ़ी यूनिक है।
और काफ़ी सुंदर है एक्चुअली। ये रहा इसका बाथरूम, और 3.5 लाख इंडोनेशियन रुपया के हिसाब से तो एक काफ़ी सुंदर है एक्चुअली। ये देख रहे हो उसका बेसिन। ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को 3.5 लाख के हिसाब से, और आदमी भी काफ़ी अच्छा था। तो इस होटल का भी मैं लिंक डाल दूंगा एक्चुअली, अगर आप इस तरफ आना चाहते हो सारे टेम्पल्स वगैरह कवर करना चाहते हो। देख रहा था आप यहाँ रुक सकते हो। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, गुड स्लीप, थैंक यू, गुड नाइट। या तो वो बंदा एक्चुअली काफ़ी हेल्प कर रहा है हम लोग को, हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारा स्टे कुटा में था और बारिश की वजह से हम यहाँ फंस गए, काफ़ी रात हो गया और हम लोग कोई भी जगह मिस नहीं करना चाहते, तो हमने सोचा यहाँ स्टे करते हैं। और वो बंदा काफ़ी हेल्प कर रहा है। अभी हमारे पास चार्जर नहीं था बिल्कुल भी, सिर्फ पावर बैंक था, लेकिन पावर बैंक में भी बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म थी, तो हमने उसको बोला कि आप हमको अडेप्टर दिलवा सकते हो क्या कहीं से, आप अडेप्टर दिला दो यहाँ इंडोनेशिया में जो भी चलता है, तो हमको वो भी ला के दे दिया। तो यार बंदा तो काफ़ी सही था, अच्छा लगता है जब दूसरे देश में आओ कहीं फंस जाओ और लोग आपको मदद करते हैं। तो इतने अंधेरी जगह पे है, हमको तो लग रहा था कि कहीं हम फंस तो नहीं गए, कुछ हो ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और फाइनली एक अच्छा रूम मिल गया एक अच्छे प्राइस पे। गुड मॉर्निंग गाइस, और सुबह हो चुकी है, रात में बहुत अच्छी नींद आई, सुबह के यहाँ 7 बज रहे हैं और टाइम पे हम उठ गए और हम रेडी हैं टेंपल जाने के लिए। और जैसा कि मैं आपको रात में बता रहा था कि यहाँ से व्यू पक्का से बहुत सुंदर होगा, रात में तो कुछ पता लग ही नहीं रहा था, लेकिन अब आप ही देख लो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से। तो कुछ ऐसा है, और ये हमारा विला ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारा ये बीच वाला विला है, इसी का हमने दिया है 3.5 लाख IDR, जो कि करीब 1500-1700 के आसपास बनता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं नीचे डाल दूंगा। यहाँ पर रिसेप्शन है, आई थिंक अभी 17 डिग्री हो रहा होगा यहाँ पे सुबह सुबह। मैं कल बिल्कुल भी निराश नहीं था कि हमको बारिश की वजह से यहाँ रुकना पड़ा वापस, नहीं तो हम जाते थके हुए वापस देन पसार और आज फिर हम कुछ और करते, तो अब यहीं से करेंगे जो करेंगे। काफ़ी एक्साइटेड हैं, चलो देखते हैं, अब टेंपल के निकलते हैं और फिर आगे का मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो हम चलने के लिए रेडी हैं, और यार बहुत सुंदर नज़ारा है, जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन चलो फाइनली चलते हैं, एक आखिरी बार आप भी नज़ारा देख लो यहाँ से। तो कुछ ऐसा है विला के बाहर से नज़ारा। तो गाइस आप लोग जो वहाँ देख रहे थे ना, वो सब स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग थी, वहाँ पे वो लोग स्ट्रॉबेरी उगाते हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा था यार नज़ारा। वीडियो पे तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है नज़ारे को, पर काफ़ी सुंदर था। और अभी हम पहुँच गए हैं टेंपल और आगे का मैं आपको दिखाता हूँ। पार्किंग वगैरह तो हमने कुछ पैसा नहीं दिया है, मुझे नहीं मालूम आगे क्या है, बाकी आई होप कोई एंट्री फीस वगैरह ना हो, लिखा तो था फ्री है, देखते हैं आगे क्या होता है। How much is for the ticket? 75,000 for one. 75,000 for 75,000 for one person. Yeah, we need two tickets. Yeah. 150 for two. तो टिकट्स की बात की और टिकट लग गया 75,000 IDR for one person। और अब टिकट्स को छोड़ो, आप बाहर का नज़ारा देख लो कितना सुंदर है एक्चुअली। काफ़ी शांत माहौल है यहाँ पर और अच्छा लगता है जब आप किसी हिंदू टेंपल पे आओ। और यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक बोटिंग का ऑप्शन होगा, पर आप यहाँ का व्यू देखो, काफ़ी पीसफुल है, मतलब सुबह सुबह जब आप आओ ऐसी जगह
तो आपको मतलब यू नो काफ़ी रिफ्रेशिंग सा लगता है। आगे देखते हैं, आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए मोर और लेस हर जगह आगे पीछे। तो ये है उलुन दानु बेरातान टेम्पल। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे आ गए हैं और थोड़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और पीछे जो माउंटेंस हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ है ये टेंपल, हालांकि टेंपल के अंदर जाना अलाउड नहीं था पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और जब आप सुबह सुबह आओ ऐसी जगह तो अगेन आई नो मैं रिपीट कर रहा हूँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। और वहाँ पे कुछ गार्डन जैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो कुछ ऐसा है, यहाँ पर लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा। मैं जो आपको पहले दिखा रहा था वो उस तरफ का है और ज़्यादा बड़ा टेंपल नहीं है, आई थिंक 30 मिनट काफ़ी है जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन सुंदर बहुत है। तो ये था उलुन दानु बेरातान टेंपल। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं इंडोनेशिया के बारे में और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ और भी जगह के कवर करने वाला हूँ और भी जगह को, और वीज़ा वगैरह कैसे लेते हैं और आप कैसे सस्ते में इंडोनेशिया ट्रिप कर सकते हैं और इवन मलेशिया का भी मैं बनाऊँगा। तो आप एक बार चैनल को चेकआउट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।